嗯。<music> अऊ तो बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नाज़रीन आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है अकायद और अकायद में भी गुफ्तगू है हमारी इमाम जमाना हजरत حجت अजलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ के सिलसिले से सबसे पहला और बुनियादी सवाल ये होता है कि महदवियत और इमाम जमाना अलात वाम के बारे में गुफ्तु करने की ज़रूरत क्या है और कितनी तरह की ज़रूरत हो सकती है और किन किन उनवान से इमाम जमाना अलात वाम के बारे में गुफ्तू हो सकती है ये पहला सवाल और दूसरी बात यह है कि इमाम ज़माना शरीफ़ के ूर के बारे में और फिर पूरी ज़मीन के ऊपर एक ऐसी हुकूमत का कायम होना जो एक आदिलाना निज़ाम को कायम करेगी इस चीज़ का एतक़ाद रखना इंसान की ज़िंदगी में कौन सा तहुल बदलाव चेंजिंग और तब्दीली ला सकता है पहला सवाल ये था कि इमाम और महदवियत के बारे में गुफ्तू करने की ज़रूरत क्या है और कितनी ज़रूरतों को सोचा जा सकता है बुनियादी बात यह है कि आज के ज़माने में महदवियत के सिलसिले से गुफ्तू करना आज के सारे इंसानों की अहम और बुनियादी ज़रूरतों में से एक ज़रूरत है हम आज अपने इस दर्स में इस मौजू की अहमियत के हवाले से कितना अहम है महदवियत और इमाम ज़माना आलाम की मार्फत रखना और किन किन एतबार से ये अहमियत का हामिल है इस सिलसिले में गुफ्तू करना एतदी हवाले से भी ज़रूरी है दूसरी बात समाजी और इज्तमी रुख से भी इसको देखने की ज़रूरत है तारीख़ी हवाले से और चौथी बात यह है कि तहजीब तमद्दुन और सकाफ़त के लिहाज से भी ज़रूरत है इस बात की कि इमाम जमाना हज़रत हुज्जत ताला फरज़हु शरीफ़ के सिलसिले से गुफ्तगु हो सके सबसे पहला मरहला ये है कि महदवियत और इमाम जमाना असलाम का हवाले से क्या राबिता गौरतलब बात यह है कि हमारे जितने भी अमल होते हैं ना हम जो कुछ भी करते हैं सारे के सारे हमारे अमल हमारा किरदार हमारा काम ये हमारे अकीदे को बताता है मतलब क्या हुआ यानी जैसा अकीदा होता है उसी अकीदे के मुताबिक इंसान अमल करता है मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ मिसाल के तौर पर आप जब लिबास ख़रीदने जाते हैं जूते और चप्पल ख़रीदने जाते हैं तो आप अपने पसंद का लिबास जूते और चप्पल ख़रीदते हैं और आप ही के साथ आपका दूसरा दोस्त जब जाता है तो वो दूसरे कलर और दूसरे डिज़ाइन के कपड़े लिबास जूते और चप्पल ख़रीदता है ये कौन सी चीज़ उसको कहती है कि ये लो और ये ना लो ये इंसान के यहाँ जो फ़िक्र पाई जाती है जो अकीदा पाया जाता है वो अक़ीदा उससे कहता है कि ऐसा करो अब सवाल यह है कि अकीदे से अमल बनता है बहुत गौरतलब बात यह है कि जितना इंसान का अक़ीदा अच्छा होगा उतने ही उसके अमल में सुधार पैदा होगा और उतना ही अमल अच्छा होता चला जाएगा इसीलिए जितने भी अम्बिया किराम आए हैं और उन्हीं अम्बियाए क्राम अलहमसा वसलाम में से एक नबी हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम हैं सारे अम्बिया के तलाश और कोशिश यही रही है कि लोगों के अक़ायद की इस्लाह कर सकें यानी लोगों के अक़ीदे अच्छे हो जाएं। क्यों ऐसा करते थे आप गौर करिएगा अगर इंसान का अकीदा अच्छा है और वो इस बात पर एतक़ाद रखता है कि किसी को भी जुल्म किसी के ऊपर भी जुल्म और सितम नहीं करना चाहिए और न ही किसी को सताना चाहिए न किसी को धोखा देना चाहिए चाहे वो बाप हो माँ हो भाई हो बहन हो बीवी हो ठीक है अगर ये अकीदा रखता है तो इंसान अपने घर में हो बाहर हो कहीं के ऊपर भी किसी को सताएगा नहीं पुलिस के ज़रिए से अमन अमान को कायम नहीं किया जा सकता है आप बताएं पुलिस कहाँ कहाँ आएगी आपके गली कूचे घर में तो पुलिस नहीं आ सकती ना लेकिन घर में कैसे अमन हो गली कूचे में कैसे अमन हो हर जगह कैसे अमन हो इसका वाहिद रास्ता और तन्हा रास्ता यह है कि इंसान अपने अकीदे को सही करे इसीलिए दीन का जो तीन हिस्से हैं दीन में एक है असूल दीन जो अक़ायद से बहस करता है जिसमें इंसान के अकीदे को सही किया जाता है पहली चीज़ यह है कि इंसान की फ़िक्र को सही और सालिम किया जाए अकीदा इंसान का अच्छा हो ताकि नतीजे में इंसान का अमल अच्छा हो सके सारे अम्बिया आए थे कोशिश यही की सारे अम्बियाए कराम ने की लोगों के इंसान के अक़ीदे को सही करें और इसी इंसान के अकीदे को सही करने के रास्ते में तमाम अम्बिया के नाम ने तलाश और कोशिश की है अब आप गौर करें इस्लाम में लोगों को इस बात की तरफ बुलाया गया है कि वो खुदा पर एतक़ाद रखें खुदा को हाज़िर व नाजिर माने खुदा को आलिम कादिर जाने और खुदा को हई और ज़िंदा माने और ये माने कि खुदा जिसम नहीं रखता और वो हर शय के ऊपर क़ादिर है वो हाज़िर व नाजिर है तुम्हारे हर हर अमल से वाकिफ़ है सारे अम्बिया आए थे इस्लाम में यही ताकिद की गई कि लोग अल्लाह का अकीदा रखें और अल्लाह पर अकीदा रखने के साथ साथ नबी ग्रामी हज़रत महद मुफ़ा सला वसम पर अकीदा रखें और नबी ग्रामी सल वसम पर अकीदा रखने के साथ साथ उनके बारह जानशीन पर भी अकीदा रखें हमारे इमाम हज़रत हजतल तरज व शरीरफ़ अल्लाह के नबी हज़रत महमद मुस्तफा सल वसम के आखिरी जानशी हैं कि हर मुक़ल्लफ़ पर ज़िम्मेदारी है और हर इंसान इस बात का मुक़ल्लफ़ है कि उनकी मारिफ़त और शनाख्त हासिल करने के बाद उनकी इमामत को कबूल करे और उनका मोती और फरमा बरदार होकर जिए बस ज़रूरत है पहचानने की इमाम ज़माना आसलम को एतिक के हवाले से ये बहुत अहम बात है अक़ीदे केनवान से भी फ़ायदा क्या होगा मारफ़त इमाम का फ़ायदा क्या होगा इस्लामी तलीमत से और दीन इस्लाम ने यह बताया गया है कि मारफ़त इमाम के नतीजे में इंसान को बहुत कुछ हासिल होता है एक बात आपको अर्ज़ करूँ नहाय अहम चीज़ है दीन कहता है कि अगर इंसान को इमाम की मारफत है तो दुनिया और आखिरत दोनों जगह में वो सईद होगा और इंसान को शादत हासिल होगी कामयाबी हासिल होगी फलाह पाएगा और इंसान की ज़िंदगी मंदाना होगी बस पहली चीज़ इमाम की रफत का मकाम यह है कि इंसान को दुनिया और आखिरत की शादत नसीब होगी अब आप गौर करें कुरान करीम का इरशाद है कितना अहम मसला है यो नद इमाम हिम। क़यामत के दिन हर गिरोह को उसके इमाम उसके पेशवा और उसके रहनुमा के साथ बुलाया जाएगा ये एक बात हुई यानी जो जिसका इमाम होगा कयामत में उसको उसी के साथ बुलाया जाएगा पहली बात हदीस में इरशाद होता है अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु वाली वसल्लम का इरशाद है ममाता वलम यारिफ इमाम जमान ही मातमी ततन जाहिलिया कितना अहम मसला है अपने ज़माने के इमाम को पहचानना कहते हैं अगर कोई इंसान अपने जमाने के इमाम की मारफत के बगैर अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बगैर मर जाए तो वो इंसान जाहिलियत की मौत मरता है यानी अगर इंसान को जाहिलियत की मौत से बाहर आना है तो इंसान को अपने इमाम के ज़माने की मारफत हासिल करना ज़रूरी है इमाम हुसैन अलातम से ये बस पहली बात कुरान ने कही हर शख्स को क़यामत में उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा एक बात दूसरी बात हदीस ने यह कहा कि अगर कोई इंसान ज़माने के इमाम की मारफत के बगैर मर जाता है तो जाहिलियत की मौत मरता है तीसरी बात खुदा को पहचानने का रास्ता क्या है किस रास्ते से अल्लाह को पहचाना जाएगा और इंसान अपने मबूद हकीकी तक पहुंचता है इमाम हुसैन आलात सलाम से पूछा गया कि आका ये बताइए अल्लाह सुबहान मारिफत का रास्ता क्या है तो इमाम हुसैन आलात सलाम ने इरशाद फरमाया कि खुदा की मारफत और मार्फत के नतीजे में फिर अल्लाह सुबहान ताली की एतात और फर्माबरदारी का रास्ता यह है कि हर शख़्स अपने ज़माने के इमाम को पहचान ले किस इमाम को अपने ज़माने के उस इमाम को पहचान ले जो इमाम वाजिबुल अतात है यानी जिस इमाम की अताहत उसके ऊपर वाजिब अब गौर तलब बात यह है कि इतनी सारी ताक़दात किस बात के ऊपर कि अपने ज़माने के इमाम पर एतक़ाद रखना फिर अपने ज़माने के इमाम को पहचानना क्यों ऐसा है क्यों ऐसा है कि इंसान अपने ज़माने के इमाम की मारिफत हासिल करे अपने ज़माने के इमाम को पहचाने और फिर उसकी अताद करे ऐसा इसलिए है कि नबी ग्ररामी हज़रत महमद अलैहि सला वसल्लम के बाद इमाम से मुस्तकीम है अगर कोई इंसान खुदा पर ईमान रखना चाहता है और फिर अल्लाह सुबहान पर ईमान रखने के साथ साथ अल्लाह की इत करना चाहता है तो उससे ज़रूरी यह है कि अपने ज़माने के इमाम की इतात करे अपने ज़माने के इमाम की फरमा बरदारी करे और साथ साथ तभी यह फरमा बरदारी होगी जब अपने ज़माने के इमाम को पहचाने का ग़ौर करें आप इसीलिए मेरे पाँचवें इमाम का ये इरशाद लकून ममिनार रसूल वमत कल व इमाम ज़मान ही व युत है व कितनी वाज हदीस है यानी किसी भी बंदे खुदा का ईमान कामिल ही नहीं हो सकता है आप देखें इसीलिए हमारे दीन में ताक़द है कि अल्लाह पर ईमान रसूलुल्लाह पर ईमान और अईम अतारसलात वसलाम पर ईमान वगरना इंसान मोमिन नहीं हो सकता हदीस ये कह रही है नहीं यह कि ईमान कामिल नहीं होगा ला यकून मुमेन एक बंदा मोमिन नहीं हो सकता मगर यह कि चंद चीज़ें हों एक हत्ता या अरफ़ अल्लाह अल्लाह की मारिफत हासिल करे एक बात व रसूलहु अल्लाह के रसूल की मारिफत, यानी रसूल खुदा वसल्लम को पहचानें वम तकम और सारे इईम अतःारसलात वसलम के मारिफत हासिल करे व इमाम जमाने ही और सारे में थार अलसलम की मारिफत के साथ साथ अपने ज़माने के इमाम को पहचाने वही ग़ौर करिएगा यही इसका क्या मतलब है यानी सारे उमूर में सारे उमूर को इमाम की तरफ पलटाए और हर अम्र में अपने इमाम के सामने सरे तस्लिम को ख़म कर दे इन्हीं बातों की वजह से पहली बात हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा अगर इमाम की मारिफत के बगैर मर जाए तो जाहिलियत की मौत है खुदा के शनाख्त का रास्ता इमाम है नबी ग्रामी के बाद सिरात मुस्तकीम इमाम हैं अगर इंसान अल्लाह रसूल और इमाम को ना पहचाने सिर्फ़ अल्लाह और रसूल को की मारफ़त हासिल करे और अल्लाह रसूल की अतात करे तो हदीस कहती है वो ममिन नहीं है ममिन तब होगा जब अल्लाह रसूल और अम अतार की मारफ़त और शनाख्त के बाद इनकी इतात और फरमा करेगा इसी इतनी अहमियत ही इन्हीं सारी अहमियत के पेश नज़र अहल बैत अमसलातलम ने सिफारिश की है कि इंसान को अल्लाह से दुआ करना चाहिए आप गौर करें हम बहुत सारी दुआएं करते हैं मगर अहल बैतुम सलातम ने एक ताक़द की है और वो ताकीद ये की है कि हर इंसान अल्लाह से दुआ करे कि ए अल्लाह तू मुझे ज़माने के इमाम की मारफत अता फ़रमा दे यानी अपने इमाम अपने थारअल सलाम की मारफत की दरख्वास करे अल्लाह से इसीलिए ये दुआ है दुआ पढ़ना चाहिए हर साहिब ईमान को अल्लानीफ़नी नफसक आप गौर करें ए मेरे अल्लाह तो मुझे तोफ़ी दे कि मैं तेरी मारफत हासिल कर सकूँ फ़ान्न का तो आरफ़नी नफसक अगर मैंने तेरी मारफत हासिल न की लम आरफ़ नबी या का मैं तेरे नबी को नहीं पहचान सकूँगा। सकूँगाफ़नी रसूलक ए मेरे अल्लाह तू मुझे तोफ़ी दे कि मैं तेरे रसूल की मारफत हासिल कर सकूँ तू मुझे पहचानवा दे अपने रब रसूल को फ़िन इन नम तोफ़नी रसूलक इसलिए कि अगर मैं तेरे रसूल की मारफत हासिल न कर सका लम आरफ हज तक तो तेरे हुज्जत की मारिफत हासिल न कर सकूँगा अब गौर करिएगा करिएगाफन हज तक ऐ मेरे अल्लाह ज़मीन पर तेरी हजत जो है ना अपनी हजत की मुझे मारिफत अता फ़रमा मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी हजत की मारिफत हासिल कर सकूँ फम तोन हज तक ऐ मेरे अल्लाह अगर मैं तेरी हजत की मारिफत हासिल न कर सका जलल तो अल्दीनी तो मैं अपने दीन से गुमराह हो जाऊँगा इतना अहम मरला है इमाम ज़माना हज़रत हुज्जत हजत अजल्ला तरज शरीफ के सिलसिले में की ज़रूरत पर गुफगू करना इतिदी हवाले से लेकिन एक अहम बात यह है कि जिस तरीके से अल्लाह सुबहानहु ताला पर ईमान के दराजात हैं हर इंसान का ईमान अल्लाह सुबहानहु ताला के ऊपर एक जैसा नहीं है बल्कि उसके ऊपर ईमान के दराजात और मरातब हैं तो क्या हर इंसान की मारफत अपने इमाम की मारफत एक जैसी है हर गज़ नहीं जिस तरह के लोगों का ईमान अल्लाह सुबहाना तै के बारे में उस ईमान के दराजात और मरातब हैं इसी तरह से मारफत इमाम के भी दराजात और मरातब हर इंसान अपनी शनाख्त के अतबार से अपनी मारफत के अतबार से वक्त के इमाम से फ़ायदा उठाएगा जिस इंसान को जितनी मारफत होगी उतने ही अपने ज़माने के इमाम से वो मुस्तफीद हो सकेगा लेकिन इतनी बात तो वाज़ है ना क्या इमाम की मारफत का मतलब ये है कि हम इमाम के नाम को जान जाएं? और इमाम के नसब को जान जाएं कि इनके वालिद का नाम क्या है वालिदा का नाम क्या है इमाम का नाम क्या है क्या बस मारफ़त के लिए इतना काफ़ी है हरगज़ मारफत के लिए इतना काफी है हरगिज़? मारफत के लिए इतना काफी नहीं है कि एक, एक इंसान सिर्फ़ इतना जाने कि इमाम का नाम क्या है इमाम के वालिद का नाम क्या है इमाम के वालिदा ग्रामी का नाम क्या है क्या मारफत के लिए इतना काफ़ी है हरगिज़ इतना काफ़ी नहीं है तो फिर सबसे कमतर और सब हद अक्ल मारफत क्या होना चाहिए जो हम ये कहते हैं कि अपने ज़माने के इमाम की मारफत हासिल करें तो मारफत का सबसे कम दर्जा क्या है कितनी एक कि इंसान को हद अक्ल कितना अकीदा रखना चाहिए अपने इमाम के बारे में वो मैं हद अकल मारफत को आपके सिल, आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ सबसे पहली बात यह वो चंद बातें हैं एक बात हद अक़ल ये एतक़ाद रखना ज़रूरी है कि अल्लाह की तरफ से इमाम मंसूब होता है यानी इमाम को खुदा इंतखब करता है और इमाम को खुदा नस्ब करता है ये पहली बात होगी इमाम को कोई दूसरा नस्ब नहीं कर सकता कोई दूसरा नहीं बना सकता है इमाम खुदा की तरफ से अल्लाह सुबहान तरफ से मंसूब होता है ये पहली बात दूसरी बात फिर लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये इमाम है तो लोगों को या तो नबी बताएंगे कि ये इमाम है या उस इमाम से पहले वाले इमाम बताएंगे कि हमारे बाद ये इमाम है दो बातें आपकी खिदमत में की। पहली बात ये हुई कि इमाम अल्लाह की जानिब से मंसूब होते हैं एक बात दूसरी बात यह है कि नबी के, के ज़रिए से इमाम लोगों को लोग या तो नबी के ज़रिए से इमाम को पहचानेंगे यानी नबी बताएंगे कि मेरे बात ये इमाम हैं जैसे अल्लाह के नबी ने शीरा में भी ये बात इस बात को बताया और गदीर में भी ये बात बताई है और सारे इमामों का तस्करा किया पहले ये होंगे दूसरे ये होंगे और फिर पहले इमाम के बारे में नबी ग्रामी ने और ख़ुद नबी ग्रामी ने सारे इमामों के बारे में और इसी तरह से हर इमाम अपने बाद वाले इमाम को पहचानवाता गया लोगों के सामने कि मेरे बाद ये मेरे जानशीन होंगे तीसरी चीज़ इमाम इलाही इल्म का मालिक होता है अल्लाह की तरफ़ से इल्म लेकर आता है इल्म लदुन्नी का मालिक होता है ज़मीन के ऊपर किसी से आम इंसान से इल्म नहीं सीखता है तीसरी बात चौथी बात गुनाह से मासूम होता है ना गुनाह कर सकता है ना करता है इमाम गुनाह नहीं करता है ना गुनाह करता है और ना ही इंसान इमाम से ख़ता इश्तवा और ग़लती होती है चौथी बात पांचवी बात यह है कि तमाम उम्र में इमाम की इतात वाजिब इमाम हर अम्र में वाजिबुल इत्तेबा इमाम की इतात और फरमाबरदारी वाजिब है छठी बात इमाम की इतात वैसे ही वाजिब है जैसे अल्लाह और रसूल की इतात वाजिब है या अय्युहल्लदीना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लदीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम ऐ वो लोग जो ईमान ले आए हो अल्लाह की इताअत करो उसके रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र की इताअत करो एक मर्तबा ये हद अकल मर्तबे ये मारिफत इमाम है ये जानना कि इमाम अल्लाह की तरफ से मंसूब होता है एक बात दूसरी बात ये कि इमाम को नबी बताता है लोगों को कि ये मेरे बाद इमाम है या नबी बताएंगे या हर इमाम से पहले वाले इमाम बताएंगे कि मेरे बाद ये इमाम है तीसरी बात इमाम इलाही इल्म के मालिक होते हैं अल्लाह की तरफ से इल्म लेकर आते हैं बशरी इल्म नहीं रखते हैं चौथी बात हर खता हर गुनाह से मासूम होते हैं पाँचवीं बात तमाम उमूर में वाजिब लेता हैं उनका इत्तबा वाजिब है छठी बात यह कि इमाम की इताअत और फरमाबरदारी ऐसे ही वाजिब है जैसे अल्लाह और रसूल की इताअत वाजिब है ये ज़रूरत है इमाम के बारे में बहस करने की एतक़ाद के हवाले से दूसरी बात इज्तिमाई और सामाजी एतबार से भी ज़रूरत है कि इमाम जमाना आसात सलाम के बारे में गुफ्तगु की जाए क्यों समाजी एतबार से ज़रूरत है क्यों एतिबार से इमाम ज़माना आसाम तो के बारे में गुफ्तगु करने इसलिए कि इस बात का एतकाद रखना कि हमारे इमाम आएंगे इन शुलमों ज़ोर से भरी हुई दुनिया को इंसाफ से भर देंगे और इंसानी अकदार को जिंदा करेंगे ये एतकाद रखना इंसान के अंदर उम्मीद को ईजाद करता है और नाउदी को या अस को इंसान के वजूद से निकाल देता है यानी ये अकीदा रखना कि इमाम आएंगे तो ऐसा समाज वजूद में आएगा एक ऐसा मुआशरा वजूद में आएगा जिसमें इंसानी वैल्यूज़ और इंसानी अकदार को जिंदा किया जाएगा ये बशरीत को और इंसानियत को उम्मीद दिलाता है इंसान के अंदर निशात और फरहत को अता फरमाता है और इंसान के यहाँ हर लेकर आता है जमूद से इंसान को बाहर निकालता है ये पहली बात अब अगर एक समाज और माशरे के लोगों में ये अकीदा है और वो ये अकीदा रखते हैं कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि जब हमारा समाज और हमारा माशरा नूरानी हो जाएगा तो अगर वाकई मानों में इस तरह के एक नूरानी और इलाही समाज और माशरे का इंतज़ार करते हैं तो वो अभी से अपने आप को इस्लामी और इंसानी अकदार के साथ ज़िंदा रखने की कोशिश करेंगे वो खुद कोशिश करेंगे अभी से कि जब एक ऐसा समाज वजूद में आएगा तो अभी से हमको इस्लामी और इंसानी अकदार को जिंदा रखना चाहिएगा चाहिए लिहाजा चाहेंगे कि चाहेंगे कि उसी महदवियत के फ़जाइल को रज किया जाए यानी जो इंसानी अकदार इमाम के ज़माने में ज़िंदा होंगे उस समाज और माशरे का इंतज़ार करने वाला इंसान चाहेगा कि अभी से आहिस्ता आहिस्ता वह फ़जाइल व कमालत वह इंसानी अकदार को हमें समाज और माशरे में राइज करना चाहिए ये एक बात दूसरी बात यह है कि जो समाज जो माशरा इस बात का मंतज़र है कि इमाम इंसाफ को कायम करें उस माशरे को अभी से इस बात की कोशिश करने की ज़रूरत है कि समाज में कोशिश करें कि इंसाफ किदलोानसाफ़ र और जुल्म सितम ना हो सके हती हर आदमी अपने पूरे वजूद को उसे लगा देना चाहिए इस काम के लिए कि हम उस इलाही समाज और माशरे में हमारा एक थोड़ा सा एक हल्का सा किरदार हो सके जो इमाम आकर बनाएंगे आपने तारीख का वो वाक़ सुना है कि जब इब्राहीम को आतिश नमरूदी में डाला जा रहा था तो एक चिड़िया अपने चोच में लाकर पानी के कतरे को डाल रही थी तो क्या उस पानी के कतरे से वो आग बुझ जाएगी नहीं मगर वो अपने इस अमल से ये बताना चाह रहा था वो परिंदा और वो चिड़िया ये बताना चाह रही थी कि मैं जितना कर सकती हूँ उतना मैंने नबी खुदा की मदद के लिए किया है तो हम भी जितना कर सकते हैं उस इलाही और इलाही और महदवी माशरे के लिए जिसमें इंसानी अकदार को ज़िंदा किया जाएगा हमारे जितने कैपेसिटी है उतने एतबार से हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है चाहे वो चाहे वो स्कूल के जरिए से कॉलेज बनाकर यूनिवर्सिटी बनाकर चाहे वो जहालत से निकाल कर लोगों को ग़ुरबत से निकाल कर और अखलाकियात को समाज और माशरे में ज करके अपने वक्त की इमाम के मदद कर सकें बस ये ज़रूरत हुई गुफ्तु करने की महदवियत के ऊपर इमाम ज़माना आलातम के ऊपर एतक़ादी हवाले से इजतमाहीबार से और तीसरी चीज़ है तारीख़ के हवाले से आप ये न समझिएगा कि इमाम ज़माना असलाम के बारे में गुफ्तू आज की है हर चीज़ ऐसा नहीं है इमाम सामाना वसलाम का ूर करना और इमाम वसलाम के गैबत का मसला इस्लाम की तारीख़ से जुड़ा हुआ है और वो भी आग़ तारीख़ इस्लाम से जुड़ा हुआ है सबसे पहले नबी ग्रामी हज़रत महमद मुस्तफ़ा सल्हु वसम ने हमारे इमाम के ूर की बशारत दी है और नबी ग्रामी स वाली वसल्लम के जहूर की बशारत देने के बाद हर हर इमाम ने हमारे आने वाले इमाम के जहूर की बशारत दी है हमें ऐसे इमाम के इंतज़ार करने बैठे हैं अपने इस बशारत के हवाले से एक बात अर्ज़ करूं जहां के ऊपर अल्लाह के नबी ने बशारत दी है इमाम के जहूर की और दूसरी बात यह है कि उससे पहले मैं क़ुरान की आयत पढ़ूँ क़ुरान ने बशारत दी है हमारे इमाम के ज़ुहूर के आयत पढ़ता हूँ और आए करीमा भी सूरह नूर की आयत नंबर पचपन है वहन आमनुमिन कुम वामी लयस्तिफ़न हम फ़िल और कमस्तलफ़न लदी मिन कबल हिम अल्लाह ने साहिबान ईमान को जो लोग मोमिन हैं और अमल सालह बजा लाते हैं उनको ये वादा दिया है कि लयस्तखल फ़न हम फ़िल अरब ज़मीन पर उनको अपना जानशीन बनाएगा ये पहली बात वलयु मक् नन्न लहुम दीन हमलर तदा लहुम और उनके दीन को कुदरत अता करेगा अल्लाह अपनी ज़मीन के ऊपर यानी दीन की हुकूमत होगी दो बातें वलयुबिल्न हमबाद खोफ हिम और ज़मीन के ऊपर अमन व अमान ही कायम होगा किसी तरह का कोई खौफ ना होगा तीसरी बात चौथी बात या याबुदूनिनी अल्लाह कह रहा है सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत होगी पांचवी बात अल्लाह कह रहा है ला युशरकु बी शै कोई भी मेरे साथ किसी दूसरे को मेरा शरीक करार ना देगा वमन कफ़र आबाद गिकर इसके बाद कोई कफ्रख्तियार करता है फ़ोल कहम्फास् ऐसे लोग फासिक हैं इस आयत के ज़िमन में हमारे चौथे माम ने यह इरशाद फरमाया है कि हो अवल्ला शीय तो ना अहललबैत खुदा की कसम ये किसके ज़रिए से दीन ज़मीन के ऊपर दीन की हुकूमत होगी अल्लाह की सिर्फ इबादत खुदा की कसम अल्लाह का ये वादा हम अहल बैत के शियों के ज़रिए से मतहक होगा यफ़ अल्लाहदिम अलादई रज उलम्याम में से एक शख़्स आएगा और उसके हाथों हमारे सारे शिया जमा होंगे और हमारे उस फ़र्द के साथ ये अल्लाह का वादा पूरा होगा वह हुआ महदी वहाद हिला और वह उस उम्मत के महदी हैं ये क़ुरान करीम की आयत से और अल्लाह के नबी ने ख़ुद बशारत दी है उसे भी अर्ज़ करूँ और वो बशारत अल्लाह के नबी ने कहा इन्ना खलफ़ा व अवसियाई व हो जजल्लाल के बादी अल्सना अशर मेरे खलफा मेरे जानशी बारह हैं अवल हम अख़ी व आखिर हम वलदी सबसे पहला मेरा भाई और आखिर मेरा बेटा कील या रसूल अल्ला वमन अख़ू का पूछा गया अल्लाह के नबी आपके भाई कौन हैं? काला अली उबन अभी तालिब अली उबन अभी तालिब मेरे भाई हैं कील वमन दुख, आपका बेटा कौन है कलामहदी अलदी यमला क़स्त व अदला कमा मोलअत जवरऊँ व जुलमा महदी जो कि ज़मीन को इंसाफ से भर देंगे जिस तरह से वो म ज़ोर से भरी होगी वल्लदी वल्ल बिल बिल्क़ बशीरा उस खुदा की कसम जिसने मुझे बशीर बना कर भेजा है लऊलम यब कमिन दुनिया इल्ला अमाह अगर सिर्फ़ दुनिया का एक दिन बच जाए लताल्लाद्योंम तो इसी एक दिन को अल्लाह इतना तुल् करेगा हत यफ़ी वलदी अलहदी के इतना तोलानी होगा कि मेरा बेटा हज़रत महदी जहूर करेगा फ़यरूल्लाबन मरियम और ईसा इबन मरियम आसमान से नाजिल होंगे फ़युसली खलफ़ा उनके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे व तश्र अल अरदब नूर रब अल्लाह के नूर से ज़मीन मुनवर हो जाएगी व अब लोग सुल्तान हूँ अल्मरक वालमरब और पूरी ज़मीन के ऊपर दीन खुदा की हुकूमत होगी ऐसे इमाम के इंतज़ार के लिए ज़रूरी यह है कि हम तीन अहम काम करें एक इल्म और दानिश के मैदान में यानी समाज और माशरे से जहालत को दूर किया जाए पहली बात दूसरी चीज़ इकतसाद और माशियात लोगों को गुरबत से निकाला जाए और तीसरी चीज़ यह है अखलाकियात यानी खुद भी साहिब अखलाक बने और समाज और माशरे में अखलाकियात को राजज किया जाए व वरहमु व वर्क